नमस्कार एंड एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमेजमेंट ब्लॉग्स में। सीताकुंड जो कि बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, इस शहर को दया मोक्ष की नगरी भी बोला जाता है। फागु नदी के पूर्वी तट पर विष्णु मंदिर के सामने बसा सीताकुंड, यहाँ पे राम और लक्ष्मण मंदिर भी है। यहाँ से कुछ दूरी पर ही बालू से पिंडदान किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों बालू से ही पिंडदान किया जाता है वहाँ पे। ये कहानी उस समय की है जब प्रभु श्री राम अपने वनवास के जीवन को बिता रहे थे। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ यहाँ आए थे और फाल्गु नदी के किनारे पे सीता माता को बिठाकर वो किसी चीज़ के खोज में कहीं गए हुए थे। तभी एकाएक श्री राम जी के पिता श्री दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के जल से बाहर निकला और उसी समय एक आवाज़ आई, मुझे इसी समय पिंड दे दो तभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सुन सीता माँ अचंभित हो गई और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। सामग्री के कमी के चलते उन्होंने पास में रखे बालू से ही पिंड बनाया और पिंड दान किया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी जब वन से वापस आए तब उन्होंने इस चीज़ का सबूत सीता माता से मांगा। सीता माता ने कहा कि यहाँ एक ब्राह्मण, एक गाय और ये फाल्गु नदी और केतकी का फूल इन सब चीज़ों का साक्षी है, लेकिन सच बताएं तो सिर्फ वट वृक्ष को छोड़ सभी ने झूठ बोला। इस बात से क्रोधित होकर सीता माता ने फाल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम बहती तो रहोगे लेकिन तुम ऊपर से हमेशा सूखा दिखोगे। इसलिए अभी भी उस जगह पे कहा जाता है कि उस बालू के रेत के नीचे फाल्गु नदी बहता है। और ये सच बात है, अगर हम कुछ दूर की बालू को खोदें तो आपको नीचे पानी का अंश देखने को मिलेगा। फिर उन्होंने गाय को श्राप दिया कि तुम पूजी तो जाओगे लेकिन तुम हमेशा सड़ा गला और लोगों का झूठा खाओगे। और केतकी के फूल को उन्होंने श्राप दिया कि तुम कभी भी पूजा में यूज नहीं किए जाओगे। और उन्होंने ब्राह्मण को दरिद्र होने का श्राप दे दिया। यहाँ पे लोगों की मान्यता है कि अगर कोई महिला यहाँ आकर पिंड दान करती है तो महिला बहुत ही सौभाग्यशाली है। तो ये था सीता कुंड से जुड़ा उसका इतिहास और कुछ इन्फॉर्मेशन। अब आपसे मुलाकात होगी एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।